हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेपेटोबिलियरी सिस्टम में एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस चैप्टर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है, हमारे पैनक्रियास पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है कुछ कॉजेस की वजह से। ठीक है, कुछ कॉजेस की वजह से हमारे पैनक्रियास पे इन्फ्लेमेशन आ जाने की वजह से वहाँ पे जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रहते हैं वहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का अर्ली एक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का अर्ली एक्टिवेशन हो जाने की वजह से वहाँ पे हमारे पैनक्रियास पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है और वहाँ पे एपिगैस्ट्रिक पेन वगैरह स्टार्ट होने लगता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस समझने के लिए जरा सा हमको पैनक्रियास का फंक्शनिंग जरा देखना अच्छा जरूरी है। ठीक है, इसलिए हम लोग जरा सा डायग्राम में पैनक्रियास का क्या क्या फंक्शन करता है जरा देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि पैनक्रियास जो है हमारा, पैनक्रियास को सब एक्सोक्राइन एंड सब एंडोक्राइन फंक्शंस करता है। ठीक है, हमारा पैनक्रियास क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे सब एक्सोक्राइन एंड सब एंडोक्राइन फंक्शंस करता है। वो कौन से एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस कौन से जरा सा हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एज ए एक्सोक्राइन फंक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, हार्मोन मतलब ये कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है। ठीक है, एंजाइम कौन से सीक्रेट करते हैं, एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, पैनक्रियास एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से एंजाइम सीक्रेट करता है, सबसे पहले ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, उसके साथ साथ अमाइलेज, बाद में लाइपेज। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज, एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड के हमारे पैनक्रियास एंजाइम सीक्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रिप्सिन का काम क्या रहता है, हमारे ट्रिप्सिन क्या करता है फ्रेंड्स, ट्रिप्सिन क्या करता है फ्रेंड्स, तो पैनक्रियास का मेन रोल क्या रहता है हमारे बॉडी में, जब हम लोग फूड ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो फूड लेते हैं फूड को डाइजेस्ट करके उसको एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये पैनक्रियास का काम करता है। ठीक है, ये पैनक्रियास का काम रहता है। इसे जैसे एंजाइम्स कैसे कैसे हमारे खाना जब हम लोग फूड लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कौन करता है, वो फूड फैट को डाइजेस्ट कौन करता है, जैसे हम लोग देख लेते हैं। इसलिए जो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन है ना, ये प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करता है फ्रेंड्स। ठीक है, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम करता है ये ट्रिप्सिन। ठीक है, और अमाइलेज क्या करता है फ्रेंड्स हमारे बॉडी में, अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना काम ये अमाइलेज करता है। और लाइपेज क्या करता है फ्रेंड्स, लाइपेज जो है फैट का ये करता है। ठीक है, लाइपेज क्या करता है, फिर ये फैट को डाइजेस्ट करने का काम ये लाइपेज करता है। ठीक है, इसलिए जो फ्रेंड्स हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो फूड के फॉर्म में सब ये ले रहे हैं, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करने का काम ये तीन, ये इसको डाइजेस्ट करने का काम ये तीन, ये इसको